गुलबर्गा शहर में जेडीएस लीडर्स की जानिब से डीसी के जरिए चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका को मेमोरेंडम सबमिट किया गया है। इस मेमोरेंडम के जरिए जेडीएस लीडर्स ने कहा, बीजेपी गवर्नमेंट किताबों में तब्दीली कर न्यू जनरेशन के जहनों को खराब कर रही है। बीजेपी गवर्नमेंट रोहित चक्रतीर्थ नामी शख्स को कर्नाटका टेक्स्ट बुक रिविजन कमेटी का चेयरमैन बनाकर सोशल साइंस और दीगर लैंग्वेजेस से भगत सिंह, टीपू सुल्तान, बसवन्ना, स्वामी विवेकानंदा और दीगर मुल्क में इनकलाब लाने वाली शख्सियत के इतिहास को मिटाकर आरएसएस की आइडियोलॉजी स्टूडेंट्स के जहनों में डालने की कोशिश कर रही है। जेडीएस लीडर्स ने इस बात पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कर्नाटका बीजेपी गवर्नमेंट से रोहित चक्रतीर्था को टेक्स्ट बुक रिविजन कमेटी से हटाने का मुतालबा करते हुए टेक्स्ट बुक में तब्दीलियाँ ना करने की मांग की है। 2020 में बीजेपी हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी, उस कमेटी का सदर रोहित चक्रतीर्थ, उसकी सदारत में सोशल साइंस और लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स में कई सारे बहुत ही ख़तरनाक चेंजेस करने के लिए प्रपोजल्स दिए गए थे और उस प्रपोजल्स को आज ये हुकूमत इम्प्लीमेंट कर रही है। टेक्स्ट बुक्स में ख़ास करके जितने तारीख में हमारे जो बड़े देशभक्त रहे हैं और जिनके बारे में रेवोल्यूशनरी लीडर्स हम लोग मानते हैं, समझते हैं, भगत सिंह, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे शख्सियत के बारे में टेक्स्ट बुक से उनकी जो डिटेल्स हैं उसको निकाला गया और तोड़ मोड़ कर सामने पेश किया गया। साथ ही साथ कुवेंपू, जो कि कन्नड़ा के सबसे बड़े पोएट हैं कन्नड़ा लैंग्वेज के, उनके जो उनके ताल्लुक से जो बातें हैं उसको डिस्टॉर्ट किया गया, उसको तोड़ मोड़ कर रखा गया है। और संत बसवन्ना के बारे में कई सारी बातों को तोड़ मोड़ कर रखा गया है। जो कास्ट के बारे में जो भी मूवमेंट्स रहे हैं, ख़ास करके संत बसवन्ना के और पेरियार के, ये तमाम तर बड़े जो लीडर्स रहे हैं, जो मूवमेंट चलाने वाले लोग रहे हैं, जिन्होंने एक नया इनकलाब लाया था, वो लोगों के बारे में ये टेक्स्ट बुक्स में कुछ खास लिखा हुआ नहीं है जो पहले किताबों में हुआ करता था। ये जो ख़तरनाक चेंजेस हैं वो दरअसल आरएसएस आइडियोलॉजी को नाफिस करने के लिए टेक्स्ट बुक्स में ये चेंजेस किए गए हैं। हत्ता के स्वामी विवेकानंद, जिसको ये लोग भी बहुत बड़ा एक इनकलाबी शख्सियत मानते हैं, उनके बताए हुए पीस और अमन के पैगाम को और इंसानियत के पैगाम को भी तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। ये तमाम तर चीज़ें नफरती फिज़ा को और मजबूत करने के लिए, किताबों के ज़रिए नौजवान नई नस्ल के जहनों को ख़राब करने के लिए लाए जा रहे हैं। और ये हमेशा से बीजेपी आरएसएस का ये एजेंडा रहा है कि उनको एजुकेशन में लोगों के सोच को बदलने का एक मौका हासिल होना था। आज हर जगह, ख़ास करके जब से ये बीजेपी हुकूमत आई है, जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी हुकूमत है वहाँ वहाँ चेंजेस करने की कोशिश हो रही है किताबों में, ताकि आइडियोलॉजी को मजबूती से, आरएसएस की आइडियोलॉजी को मजबूती से नाफिस किया जा सके। हम इसका बहुत ही पुरजोर अंदाज में मजम्मत करते हैं, जनता दल सेकुलर की जानिब से हम पुरजोर मजम्मत करते हैं इसकी, और हम ये डिमांड करते हैं कि रोहित चक्रतीर्थ को इस कमेटी से निकाल दिया जाए और उसके जो प्रपोजल्स हैं जो टेक्स्ट बुक में लाए गए हैं वो फौरी तौर पर उनको वापस लिया जाए और किताबों को एक इंसानियत का पैगाम देने के लिए, सोशल जस्टिस का पैगाम देने के लिए, इक्वालिटी का पैगाम देने के लिए और जेंडर न्यूट्रलिटी का पैगाम देने के लिए रखा जाए, ना कि एक आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने, इम्पोज करने के लिए अपने किताबों को चेंज किया जाए। बीजेपी केंद्र सरकार आगिरबहुदु, राज्य सरकार आगिरबहुदु, ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಸಂವಿಧಾನ ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲಾರ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನೀತಿಯನ್ನೇ ಅವರು ಅನುಸರಿಸಿಕತ್ತಾರ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಎಳೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮ್ಯಾಗ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಎಡಗೆವಾರು ಅವರು ಇವರು ಸಾವರ್ಕರ ಇಂಥವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ಯಾರ. ಆದರೆ ನಾವೆಷ್ಟೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಠಾಧೀಶರು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಇವನು ಬರೀ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಜೆಂಡಾ, ಈ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನೀತಿ ಏನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಾಹಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತಾದಳ
ಯುವ ಜನತಾ ದಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಿಲ್ಲಾ ಜನತಾ ದಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಖಂಡಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಯಾವುದೂ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಿಜಾಬ್ ಬಂತು ನಿಮ್ದು ಅದು ಯಾವ್ದು ಕಟ್ ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ ಬಂತು ಜಟ್ಕ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಿದ್ದದು. ಅವ್ನು ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಬುಲ್ಡೋಜರೇ ಕೆಡೋ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಡೋದು. ಆದರೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಏನದ ಇದು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಜೆಂಡ ಅದ. ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ದವ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಸಕತ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಆಡ್ಲಿಕತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೈಗೊಂಬಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಕುರ್ಚಿ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮುತಾಲಿಕ್ ದೇಸಾಯಿ ಈ ದೇಶದಾಗ ಈ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಸಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಥವ್ನು ಕೂಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಮ್ಯಾಗೆ ತಂದು ಕೂಡ್ಸಿ ಅವ್ರು ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಇವನು ನಾಲಾಯಕ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದು ಏನು ನೀವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ಕತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಮ್ಯಾಗೆ ಇದನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ತಿರುಚಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕತ್ತೆ ಇದು ಖಂಡನೀಯದ. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ವರ್ಗು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೀವು ಇದೇ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತನ್ನು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಸುಧನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಾಪುರದನ್ ಕಾರ್ आज जो है यहाँ पर डीसी साहब के थ्रू हम सीएम साहब को एक मनवी पत्र दे रहे हैं. सब्जेक्ट क्या है बोलो तो एजुकेशन के बारे में. ये बीजेपी सरकार जो है आने के बाद खाली इनको क्या है एक ऑर्डर इश्यूज करना और खाली इनको क्या है गवर्नमेंट बनाने का नहीं था. इनको इनका काम ये था कि भाई सेंटर से लेकर स्टेट तक खाली क्या है इनको एक ऑर्डर पास करते रहे बैठने का एक सेक्शन दे के बिठाना था खाली इनको. आज वही काम कर रहे हैं क्योंकि बच्चों का जो सिलेबस है जो पुराने फ्रीडम फाइटर्स हैं जो पुराने इस देश के वास्ते मर मिटे हैं और इस देश के वास्ते जो है उनका इतिहास जो बुका में आया था कापे में जो बुक्स में उनके इतिहास था उसको जो है चेंजेस करने का काम ये लोग कर रहे हैं. अब तक क्या है मालूम है हिजाब का लेकर है और कंटिन्यू देखो आप एजुकेशन के बारे में दो साल कोविड के थे यहाँ पर बच्चों को एजुकेशन नहीं हुआ बच्चे पढ़ने के तरफ पढ़ने में पीछे हो गए. ऐसे टाइम पे ये बुक अगर चेंज करके तुम सिलेबस चेंज करके नया सिलेबस अगर उनको लेके आना बोल तो वो लोगों जो स्कूल के जो टीचर्स हैं और जो यहाँ के जो लेक्चरर्स हैं उस स्कूल जो मैनेजमेंट है इसको कैसा हैंडल करेंगे और बच्चों को कितने परसेंट तक ये लोग बताने की कोशिश करेंगे पढ़ाने की कोशिश करेंगे. तो इसीलिए क्या है बच्चों को ये आने वाले दिनों में इसका बहुत ड्रॉबैक्स है. तो हमारी गवर्नमेंट को डीसी साहब के थ्रू गवर्नमेंट को हम लेटर लिखेंगे भाई ये जो पहले का जो है उसको चेंजेस मत करिए. और जो राइटर हैं लिखने के जो पहले के इतिहास जो लिखे वो भी दूसरे कम्युनिटी का है दूसरे हमारे इसका है बोल के उसको भी चेंज करके ये जो आरएसएस के जो ये हैं राइटर्स हैं उनका उतना डीप ये एजुकेशन मिनिस्टर सोच रहे हैं. ये बच्चों के पढ़ाई के बारे में और एजुकेशन के बारे में और इनके उसको आने वाले दिनों के जो फ्यूचर है उसके बारे में ये लोग नहीं सोच रहे. खाली अपन जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं उसका गलत पावर का इस्तेमाल करके बच्चों को उल्टा एजुकेशन से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं. इसीलिए हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इमीडिएट इसको स्टॉप करिए और जो पहले का जो हिस्ट्री है उसको आप जो है कंटिन्यू करिए बोल के आपके इस बीजेपी पार्टी 2014 से लेके आज 2022 तक जो भी काम कर रहे हैं फेल हो चुके हैं. झूठे वादे करके लोगों से वोट लिए सरकार में आके लोग को परेशान कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई. आज आप देख सकते हैं आज का जो इशू है ये नूपुर शर्मा जो एक घटिया बयान देने की वजह से इसके ऊपर तमाम पार्टीज़ जो पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान के अंदर है वो चर्चा में है. तो ये इस चर्चा को माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक नया इशू उन्होंने तैयार किए हैं. तो इनकी जो पॉलिसी है इसको लोग समझ चुके हैं. ईंट का जवाब पत्थर से ज़रूर जनता इनको देगी. जय हिंद जय कर्नाटक.